फ्रेंड्स, मैं हूं शानू राणा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में मास्टर स्टडी हब में। आज मैं लेकर के आया हूं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम NTPC ग्रुप डी MTS SSC 10+2 में इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब अलग अलग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से निकाले हुए हैं और इन क्वेश्चन के आने की चांस होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई करूँगा। तो चलिए देखते हैं, और मैं हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी समझाने की कोशिश करूँगा। मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपका टाइम में बचत हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किसमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रयुक्त की जाती है? पहला क्वेश्चन है किसमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रयुक्त की जाती है? ये इंद्रधनुष के निर्माण में, इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रयुक्त की जाती है। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो अपवर्तन की घटना नहीं होती है। अब देखिए, ये इंद्रधनुष होता क्या है, इंद्रधनुष जब होता है, जब बारिश होती है तो उसमें जो भाप निकलती है, तो बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें होती है, जब उनमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो एक प्रिज्म की तरह वो काम करती हैं बूंदें, तो उसमें क्या होता है, जो लाइट होती है वो 7 अलग अलग रंगों में दिखने लगती है, जो कि आपको मालूम होगा कि विबग्योर जो होते हैं उसमें 7 अलग अलग रंग, जो कि आप, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को मालूम होगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, तो उसमें दिखाई देते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर सूक्ष्म तरंगों की सेकेंडों में दोलन की अवधि कितनी होती है? ये होती है 1×10⁻¹⁰। कितनी होती है दोलन की अवधि? 1×10⁻¹⁰ होती है। दोलन की अवधि क्या होती है? ये दोलन की अवधि का जो समय होता है लघुत्तम अंतराल होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, दोलन अपनी उस अवस्था में लौटता है जो अपनी शुरुआत में होता था, जो अपनी शुरुआत में अवस्था में होता था दोलन करने के बाद वो अपनी उसी अवस्था में वापस लौट जाता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रीड ओनली मेमोरी का सर्वाधिक उन्नत रूप क्या है? सर्वाधिक उन्नत रूप है EEPROM, इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ जो होता है वो कंप्यूटर में कम मात्रा में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। EEPROM का यूज़ क्या किया जाता है? कंप्यूटर में कम मात्रा में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंटरप्रेटर। क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर। अब देखिए, ये इंटरप्रेटर होता क्या है, जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है, उसको इसका यूज़ किया जाता है इंटरप्रेटर का। और ये क्या करता है, ये कंपाइलर की तरह काम करता है, ये भी कंपाइलर भी क्या होता है, ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है कंपाइलर, यहाँ मैंने लिखा हुआ है पहले से, तो ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि इंटरप्रेटर का ही, ये इंटरप्रेटर भी इसी की तरह काम करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी अभी पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर कितनी होगी, कितनी होती है? कोई बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है तो उसकी श्वसन दर कितनी होगी? वो होती है प्रति मिनट 32 बार। कितनी? प्रति मिनट 32 बार। ये क्या होता है कि जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनकी जो, और जो बच्चे अभी अभी जो जन्म लेते हैं उनकी थोड़ी तेज होती है श्वसन दर, तो बच्चा जब सांस लेता है वो थोड़ा तेज़ी से लेता है हम लोगों की अपेक्षा, और इसीलिए इनकी श्वसन दर होती है 32 बार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तत्वों की आवर्त सारणी में किसी अपवर्तक में दाईं ओर, किसी आवर्तक में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तत्वों की जो आवर्त सारणी होती है उसमें किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जब जाएंगे, बाएं से दाएं ओर, तो उसमें क्या होता है, परमाणु त्रिज्या की हानि होती है। क्या होता है? परमाणु त्रिज्या की हानि होती है उसमें। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पर। नाभिक में आवेश के बढ़ने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे क्या होता है, जो परमाणु होता है उसका साइज बढ़ जाता है उसके खींचने पर। और जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर जब आते हैं तो क्या होता है, परमाणु का साइज बढ़ेगा। क्या होगा? परमाणु का साइज बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, नाभिक के यहाँ पर क्या होगा, परमाणु का साइज घट जाएगा, यहाँ पर परमाणु का साइज घट जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
वल्कनित रबर में कितनी गंधक अंतर्विष्ट होती है, कितनी गंधक अंतर्विष्ट होती है, ये होती है 3 से 5% होती है अंतर्विष्ट। यहाँ पर देखते हैं वल्कनित रबर जो होती है ये लचीले रबर वाले एक टायर होते हैं, उनमें 3 से 5% क्या होता है सल्फर मिलाया जाता है, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है सल्फर मिलाया जाता है 3 से 5%। और जो मोटे टाइप के टायर होते हैं, कठोर टायर होते हैं, उनमें सल्फर की मात्रा क्या होती है 32% होती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पहले से, कितनी होती है 32% होती है जितने भी मोटे टायर होते हैं कठोर टायर। तो सल्फर जो होता है ये इसकी कठोर टायर की कठोरता, रबर की कठोरता पर कठोरता को भी दिखाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यूरिक एसिड मूत्राम्ल किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है, ये होता है पक्षी में। ये यूरिक एसिड जो होता है ये किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है, ये होता है पक्षियों में। जमीन पर जितने भी रहने वाले होते हैं जैसे गेंगा हो गया, कीट हो गए और जो पक्षी हो गए, इनका जो ये इसका उत्सर्जन करते हैं। और जो छिपकलियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ निकालती हैं। क्या करती हैं, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ निकालती हैं और इसको क्या बोलते हैं, पूप बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, इसको क्या बोलते हैं, पूप बोलते हैं। और इसका जो होता है इसको यूरिक भी बोलते हैं, इसको यूरिन भी बोलते हैं, इसी पूप को यूरिन भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये पक्षियों में भी होता है, ये क्रिस्टलीय पदार्थ होता है पूप, सफ़ेद रंग का, जो छिपकलियों और पक्षियों में दोनों में निकलता है, और ये इसको यूरिन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री पार्क घोषित किया है, ये प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया था 1972 में, तभी इसके प्रावधानों को लेकर आया गया था, तब इसके अंतर्गत ही प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए कच्छ की खाड़ी को एक समुद्री पार्क घोषित किया था। और यही कच्छ की खाड़ी जो है यही भारत का पहला समुद्री पार्क बना है। और ये है कहाँ पर, ये गुजरात के कच्छ के जिले के दक्षिण में स्थित है। कहाँ, गुजरात के कच्छ का जिला है, वहाँ पे दक्षिण में स्थित है। और इसी के पास एक बंदरगाह है, ओखा बंदरगाह, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ओखा डॉकयार्ड है, इसी के पास कच्छ की खाड़ी के पास ही है जो कि मैंने लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रंध्री छिद्र की परिवेशी विशिष्ट अपरिवर्तित अधिचर्म कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ये कहते हैं रक्षक कोशिकाएं। क्या कहते हैं, रक्षक कोशिकाएं। पत्तियों के जो अधिचर्म तना ऐसे भागों में जो स्थित विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं इन्हें कहते हैं रक्षक कोशिकाएं। ये करती क्या है, ये गैस के विनिमय को नियंत्रित करती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं, पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं पत्रीय वाष्पोत्सर्जन, और इसको पर्णीय वाष्पोत्सर्जन भी कहा जाता है। होता क्या है कि पौधों में जो मुख्य रूप से पत्तियों के कोरे होते हैं या फिर पर्णीय सतह जो होती है, इसे पर्णीय और पत्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का कुल 90% हिस्सा जो होता है पर्णीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा पूरा होता है। कितना हिस्सा, 90% द्वारा जो होता है वो पर्णीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा पूरा होता है। मैंने पहले से ही छोटी छोटी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं ताकि टाइम की बचत हो सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिज्ञ नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी, ये की गई थी वोहरा समिति। कौन सी समिति, वोहरा समिति, जो कि 1993 में गठित किया गया था इसका, और इसका काम क्या था, जो कि क्वेश्चन में ही दिया है, ये आपराधिक मामले होते थे जितने भी राजनीतिज्ञ या नौकरशाही में, उससे संबंधित उसमें ये देखरेख करती थी, इसका नाम था वोहरा समिति। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु अयस्क है, कौन सा एक धातु अयस्क है, मैंने चार ऑप्शन भी यहाँ पर दिए हुए हैं, अभ्रक, फील्डस्पार, स्फटिक, गैलेना। यहाँ पर जो है एक धातु अयस्क है वो है गैलेना, यहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है, गैलेना है। और ये जो होता है गैलेना, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, गैलेना प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला लेड का खनिज है। किसका, शीशे का, जो शीशा होता है इसको हम लोग लेड बोलते हैं, ये उसका खनिज होता है। और इसमें घनाकार दरारें भी पाई जाती हैं। अभ्रक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, अभ्रक ये जो होता है ये अग्नेय चट्टानों में होता है। और फील्डस्पार क्या होता है, ये फील्डस्पार जो होता है ये शैल निर्माणकारी खनिजों का महत्वपूर्ण
घटक होता है, महत्वपूर्ण वर्ग होता है, जो शैल निर्माणकारी होते हैं उनका महत्वपूर्ण वर्ग है। और स्फटिक क्या होता है, ये क्या होता है, ये रेत, ये भी एक खनिज है, ये जो होता है ये रेत और ग्रेनाइट का प्रमुख घटक होता है। किसका? रेत और ग्रेनाइट का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है सभी को पता होगा इसका आंसर। बुल और बियर शब्द जो है ये स्टॉक बाजार से संबंधित है। किससे? स्टॉक बाजार से। अब देखिए, जब बुल शब्द का प्रयोग तब करेंगे जब मार्केट के शेयर ऊपर की तरफ जाएंगे, और बियर शब्द का प्रयोग तब करेंगे जब मार्केट नीचे की ओर आती है, उसके शेयर नीचे की ओर जब गिरते हैं तब उतार चढ़ाव के लिए मतलब इन शब्दों का यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? ऐसी मुद्रा कहलाती है प्रबंधित मुद्रा या मैनेज्ड करेंसी। क्या कहलाती है? प्रबंधित मुद्रा। अब ये होती क्या है प्रबंधित मुद्रा, इसके बारे में देख लीजिए। मतलब ऐसी करेंसी जिसका विनिमय दर सरकार के हस्तक्षेप पर केंद्र के जो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है उसको बोलते हैं प्रबंधित मुद्रा। चलिए देखते हैं, केंद्रीय बैंक मतलब जैसे केंद्रीय बैंक कौन सा, वो RBI निर्धारित करेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। देखते हैं, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है? ये करता है अनुच्छेद 243K। कौन सा अनुच्छेद? 243K। इसमें होता क्या है, इसमें जो सभी स्थानीय निकायों का चुनाव जो होता है संपन्न करवाने के लिए, और मतदाता सूची तैयार करने में, और चुनाव को दिशा निर्धारित करने में और नियंत्रित करने के लिए जो अधिकार दिया जाता है, ये राज्य में राज्यपाल एक चुनाव आयोग के लिए एक अधिकारी नियुक्त करता है इसके तहत, तो उसी अधिकारी को ये सारी चीज़ें उसके देखरेख में होती हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा भारतीय राज्य, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास का उत्पादक है? ये जो है कपास का उत्पादक अग्रणी मतलब जो सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक करता है वो है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात है ये। और ये अगर उत्पादक की दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो गुजरात है, और अगर हम लोग एरिए की दृष्टि से देखेंगे कपास का उत्पादक तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, महाराष्ट्र है। वो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखें कपास उत्पादक में तो महाराष्ट्र है। और विश्व में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कपास उगता है वो भारत में ही उगता है, भारत में ही इसकी उपज होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? ये कहा गया है SR बोमाई मामला। कौन सा? SR बोमाई मामला। इसमें कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। ये SR बोमाई मामला जो है ये 11 मार्च 1994 को आया था। कब आया था? 11 मार्च 1994 1994 में ये आया था, और ये न्यायमूर्ति सावंत और कुलदीप सिंह ने इसको अवकलन किया था। किसने किया था? न्यायमूर्ति सावंत और कुलदीप सिंह ने अवकलन किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1975 को, 10 अप्रैल 1875 को की थी इन्होंने आर्य समाज की स्थापना। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे इन्होंने एक नारा भी दिया था जो कि बहुत ही फेमस नारा है, अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो। कौन सा नारा? वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था। और इन्होंने तो किया था ब्रह्म समाज की स्थापना, माफ़ कीजिएगा, आर्य समाज की स्थापना, और ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं वो हैं राजा राममोहन राय। इन्होंने 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में इसकी स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। किसने? राजा राममोहन राय जी ने। और ये आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और लास्ट में मैं आपसे सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर मुझे आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल शांति का पुरस्कार है, किस शहर में प्रदान किया जाता है? ये आप सभी को पता होगा, जो नोबेल का शांति पुरस्कार होता है ये ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो कहाँ पर है? ये नॉर्वे में। कहाँ? नॉर्वे, नॉर्वे में। तो ये वहीं पर दिया जाता है। और ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और अर्थशास्त्र में। किस किस में? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। और ये इन चीज़ों में स्टॉकहोम स्वीडिश में दिया जाता है। कहाँ पर? स्टॉकहोम स्वीडिश में दिया जाता है। सिर्फ शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वही ओस्लो में दिया जाता है। और ये अल्फ्रेड नोबल की याद में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। इसकी स्थापना हुई थी 1901 में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। चलिए देखते हैं आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो देखते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल इसका मुझे आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इटली, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था होमवर्क के लिए, जिसका आंसर मैं बता देता हूँ। कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियस r के वृत्त के समानांतर घूम रहा है, उस कण का त्वरण कितना होगा? उस कण का त्वरण होगा शून्य। कितना होगा? शून्य होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं ख़त्म करते हैं अपनी क्लास को। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये चैनल पसंद आया होगा, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आगे भी मैं जारी रखूँगा अपने ये प्रैक्टिस सेट को आप लोगों की, जिससे प्रैक्टिस बढ़ती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।